हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल जग जायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं साबुत मसाले की कीमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें बहुत कम मसाले पड़ते हैं और ये जो रेसिपी है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुकर लिया है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ये जो मैं खड़े मसाले का कीमा बना रही हूँ, इसके लिए मैंने कीमा लिया है, थोड़ा सा चर्बी वाला है और मूठा हाथ का मूठा कुटा हुआ है। आपको जैसा पसंद हो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने रेड मीट का कीमा लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको अच्छे से वॉश करके छलनी में रख दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। यहाँ कुकर लिया है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ये जो मैंने कीमा लिया है 350 ग्राम लिया है, तो उसी के हिसाब से मैं सब सामान डालूंगी। यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। ये मैं इसको इस ऑयल में डाल देती हूँ। हमें प्याज एकदम ब्राउन नहीं करनी है, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक, ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। अपना कीमा डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ जो हमने अपना साबुत धनिया और जीरो को थोड़ा सा क्रश कर लिया था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, यहाँ मैं 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिए हैं। हमें बेस नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा मोटा कूट के ही डालना है। और 4 लाल मिर्च है, इसको मैंने बीच से बस तोड़ लिए हैं, तोड़ के ही हम डाल देंगे। साबुत लाल मिर्च हमें लेनी है। चलिए दोनों चीज़ें हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे हम, जब तक कि हमारा गोश्त का सारा पानी खुश्क ना हो जाए। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए कीमा हमारा अच्छे से भून चुका है, एकदम पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब यहाँ मैंने 1/2 कटोरी दही ली है, जिसे मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। ये अगर वेट में देखा जाए तो 50 ग्राम है। ये मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने से क्या होता है, हमारी दही फटती नहीं है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और अपने दही भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारा दही का सारा पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए हमारा कीमा अच्छे से भून गया है। रेगुलर इसको चाक चलाते रहना है ताकि सारा नीचे से लगे नहीं। थोड़ा सा और भून लेते हैं इसे अच्छे से। चलिए देखिए हमारा सारा पानी इसका खुश्क हो गया है, तेल सेपरेट कर दिया है हमारे गोश्त ने। अब इसमें हम गलने का पानी डाल देते हैं। यहाँ पानी हमें ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इस खड़े कीमे में, खड़े मसाले की कीमे में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। बस हम 1/2 ग्लास पानी ही मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। चलिए अब हम इसकी लिड लगा लेते हैं। 1 विसल आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। या आपका गोश्त जितनी देर में आपका गलता है आप उतनी देर इसे पकाइए लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे जो होता है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। 1 विसल आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे रहने दिया था। अब इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे खड़े मसाले का कीमा एकदम तैयार है। चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारे खड़े मसाले का कीमा एकदम तैयार है। आज इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं रहती है, इसमें बिल्कुल हल्की ग्रेवी रहती है। अगर आप चाहें तो थोड़ी ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसे हम गार्निश करते हैं थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियों के साथ और थोड़ी सी अदरक की जूलियंस के साथ। ये आप सर्व कीजिए चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, ये सब के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है और इसमें बहुत कम मसाले पड़ते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट जरूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।